क्योंकि हेमा जी जब जेल में थी तो वो काफी एक्टिव थी, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद वो थोड़ा कभी कभी ऐसा लगता था कि जब वो तीनों साथ में बैठते थे और मैं जाती थी तो मुझे लगता था कि मैं जबरदस्ती बीच में घुस रही हूँ, तो मैं वहां से भी दूर हो जाती थी। मुस्कान, फाइनली घर के बाहर आ चुके हो आप, और अगर आपसे पूछूं एज अ कंटेस्टेंट, क्या लगता है फेयर इविक्शन हुआ या अनफेयर इविक्शन? मुझे लगता है कि अनफेयर हुआ है, क्योंकि मैं नॉमिनेशन से बाहर नहीं निकली हूँ, घर वालों ने मुझे बाहर निकाला है। जैसा कि मैंने काफ़ी सुना घर वालों से कि सब यही बोल रहे थे, कुछ बोलती नहीं है, बोला कर, ये कर, वो कर, तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों को फिर भी वो कम लगा, तो मुझे लगता है ये अनफेयर तो था थोड़ा। रीसेंट इंसिडेंट की बात करूं तो जब रैंकिंग हो रहा था, अविनाश ने आपको कहा कि 14th नंबर पे आप मत जाना, हाँ। लेकिन उन्होंने ही आपको 14th नंबर पे भेजा। यस। कैसा लगा ये देख के? मैं थोड़ा शॉक थी, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद ने ही बोला था कि 14th पे मत जाना, बाकी सब हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन घर वाले किसी फैसले पे पहुंच ही नहीं पा रहे थे। मतलब आई डोंट थिंक सो कि अभी तक कुछ कोई भी ऐसा टास्क हुआ है जिसमें घर वालों ने सामने से कुछ फैसला दिया हो। तो फिर अनफॉर्चुनेटली अविनाश और आरफीन जी को वो मौका मिला कि सबको रैंकिंग दे, तो काफ़ी मैं अपसेट हो गई कि यार आपने बोला था कि 14th पे तो नहीं जाना है, तो मुझे वही फिर भी खड़ा किया। तो उन्होंने बोला कि हमने काफ़ी डिस्कशन किया, ये वो, अरविंद सर के पास बहुत पॉइंट्स थे, ये वो, कि नहीं 14 ही 14 ही। तो मैंने सोचा यार ठीक ही है, अब मैं इनसे क्या ही बोलूँ, आई वॉज लाइक चलो ठीक है। घर में काफ़ी लोग आपके दोस्त बनने का लाइक बोलते हैं, ईशा हो, एलिस हो, शहजादा हो, सब बोलते हैं मुस्कान के काफ़ी करीब हैं। आपको क्या लगता है कौन जेन्युइनली आपके साथ सच में था, क्योंकि सब ने आपके टुवर्ड सिंपथी दिखाई, आपको मोटिवेट किया, तो कौन आपके सच्चे दोस्त है? मुझे जेन्युइनली मतलब जेन्युइनली मुझे लगता है कि विवियन जी बहुत सपोर्ट कर रहे थे, उनकी तरफ से वो बहुत मुझे मोटिवेट कर रहे थे, बाकी सब ने भी बहुत किया, लेकिन कहीं ना कहीं सब यही बोल के जा रहे थे कि हम अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, कि हम अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, हम अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन विवियन जी वॉज़ वन जो जेन्युइनली मुझे समझ रहे थे, मैं किस इमोशन से जा रही हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, अंदर मैं क्या फील कर रही हूँ, वो सब समझ रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। और आरफीन ने आपको एडवाइस दी अगर आपको? हाँ, मुझे मुझे याद है उन्होंने एडवाइस दिया था कि उनसे मैं लड़ूं, बट वही ना, मैं ऐसी हूँ नहीं कि सामने वाले से वो एक तो मुझसे बहुत बड़े हैं, उनसे बदतमीज़ी करना, उनको उल्टा जवाब देना, मैं किसी को भी उल्टा जवाब कभी नहीं दे सकती हूँ, अपनी बात रख सकती हूँ, लेकिन ये सुन सुन के कि बोलती नहीं हूँ, और मुझे ऐसा लगा कि यार मैं बहुत ही और साइलेंट हो जाती थी वो सुन सुन के, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। हाँ, वही मैं इसलिए और चुप हो गई थी क्योंकि जो मुझे बढ़ावा दे रहा है कि तुम बोलो बोलो, और अगर वही मुझे नॉमिनेट कर दे तो मुझे लगा कि यार ये हो क्यों रहा है, एक तरफ आप बोल रहे हो कि करो 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 और दूसरी तरफ आप मौका भी नहीं दे रहे हो सामने वाले को कि वो करके दिखाए, तो वो मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं बहुत रोई थी। अब बाहर आने के बाद किसका गेम आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है जो आगे जा सकता है? मुझे लगता है विवियन जी ही, क्योंकि वो जैसे हैं गेम में भी वो वैसे ही हैं, और उन्हें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और अविनाश के साथ जो आपका बॉन्ड दिख रहा है उनका गेम कैसा लग रहा है, या जो भी अभी वो चीज़ें कर रहे हैं, राशन ना देना या फिर खेल रहे जो घर वालों के साथ, वो कैसा लग रहा है आपको, कितना फेयर लग रहा है? अभी बाहर से अगर मैं देखूं घर में, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा लग रहा था कि यू नो राशन इज़ अ बिग थिंग, लेकिन बाहर से मैंने देखा तो मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच हो गया है वो चीज़, तो मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा राशन को थोड़ी देर के लिए ब्रेक देना चाहिए, कुछ और चीज़ पे लड़ाई या मुद्दा होना चाहिए। तो यहाँ
गेम में इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से वो रैंकिंग थी, तो हम सभी को लग रहा था कहीं ना कहीं, क्योंकि वो हर जगह होते हैं, हर जगह अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और सबके पास जा जा के वो अपनी बातें क्लियर करते हैं, तो उस हिसाब से तो नंबर वन वॉज फाइन। अगर आप प्रेजेंट में कुछ कमाल कर दो तो फ्यूचर बदल सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि अनफेयर कुछ भी हुआ है, बट आई रियली फील कि विवियन जी को जीतना चाहिए। दिखने के लिए मैं कुछ फेक नहीं करना चाहती थी कि मैं किसी के मुद्दे में कुछ भी बात नहीं करती नजर आई, जब लड़कियों के साथ फाइट भी हो रही तब भी आपने कोई आपका इनपुट, उन लोगों की आवाज़ इतनी तेज है ना, अगर मैं कुछ बोलूंगी तो भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि हम नॉर्मल बात भी करते हैं। अब अभी एक बीच में कुछ हुआ था जिसमें मैं फेकली हम लोग शहजादा जी चुम में कुछ ऐसे लाउड आवाज़ में बात कर रहे थे, तो मैंने भी तब ट्राई किया कि चलो बोलती हूँ, लेकिन उनकी नॉर्मल आवाज़ें इतनी तेज़ थी कि मेरा गला लग गया था, तो मैंने सोचा भाई क्या ही बोलूँ मैं। लेकिन मैं जेन्युइनली कहती हूँ कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मैं एक बहुत ही इंट्रोवर्ट लड़की हूँ, कुछ नहीं बोलने वाली, वहाँ से मैं बहुत बोलना सीख के आई हूँ, थोड़ा बहुत जितना मैं बोल पा रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात रही है। अब वो दिखना नहीं दिखना मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपना 100% दिया। आपको आपकी फैमिली से दिखी हो नहीं दिखी हो? मैं जितनी भी दिखी वो खुश थे, क्योंकि फैमिली वाले जज थोड़ी करेंगे, तो ऑफ कोर्स बिल्कुल, क्योंकि मैंने बोला था कि फैमिली से बात हो सकती है, मतलब चाचू से बात हो सकती है क्या, अगर उनसे बात हो जाती तो हो सकता है कुछ अलग हो जाता, क्योंकि मैं 3 हफ्तों से यही सुन रही थी कि तू दिख नहीं रही है, कुछ कर नहीं रही है, अगर कोई एक भी ऐसा मोटिवेट करता कि यार करना करना, और फैमिली से होता तो। लेकिन आप वही कह रही हो कि विवियन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन हाँ क्योंकि सपोर्ट एक ही जगह से, मतलब सब बोल रहे थे लेकिन जेन्युइनली मुझे ऐसा लगा नहीं कि यार ये सच में चाहते हैं, अगर घर वालों से बात होती, चाचू से बात होती तो शायद कुछ हो पाता। अच्छा, क्या सोच के घर पे गई थी? एक्सपीरियंस करने, बिग बॉस की ऑडियंस अलग है, ऑफ़ कोर्स मैं चाहती थी कि वो भी मुझे देखे, अनफॉर्चुनेटली जैसा कि आप कह रही हैं कि मैं दिख नहीं पाई, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, बट हाँ जनता, हाँ तो या आई गेव माई बेस्ट, मैं बस यही बोलना चाहूँगी, मैं और क्या बोलूँ। बिल्कुल नहीं, आपकी जगह कौन निकलना चाहिए था? मुझे लगता है शायद बग्गा जी, क्योंकि इलेक्शन वाला जो था उसमें वो बहुत दिखे, क्योंकि वो उनका वो उसी एरिया से हैं इलेक्शन वगैरह, जैसे कि मेरा डांस आया था तो आई ऑल्सो डांस्ड राइट, तो जिसका जो होता है उसमें वो बेस्ट करता है अपना, तो मैंने भी अपना बेस्ट दिया, तो मुझे लगता है कि उसके पहले, इलेक्शन के पहले बग्गा जी बात कर रहे थे, हो रहे थे, बट इतना ओपनली उनके पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आए, तो आप ये बात पे कितना अग्री करती कि हेमा जी को नहीं निकलना चाहिए था? हाँ, क्योंकि हेमा जी जब जेल में थी तो वो काफ़ी एक्टिव थी, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद वो थोड़ा कम, कंपेयर अगर करें तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो गई थी, तो आई गेस इस वजह से शायद वो निकली। आरफीन सर, उनसे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो गेट आउट लगाएंगे, क्योंकि वही ज़्यादा मोटिवेट कर रहे थे मुझे, तो या ईशा और एलिस भी आपका सपोर्ट करते हुए नजर आए थे, आपके लिए स्टैंड ले रहे थे, क्या जेन्युइन थी उनकी फ्रेंडशिप आपके टुवर्ड्स, और किस तरह का बॉन्ड था आपका एलिस और ईशा के साथ? मुझे लगता है जेन्युइन ही थी, बट कभी कभी ऐसा लगता था कि जब वो तीनों साथ में बैठते थे और मैं जाती थी तो मुझे लगता था कि मैं ज़बरदस्ती बीच में घुस रही हूँ, तो मैं वहाँ से भी दूर हो जाती थी, क्योंकि
अगर कोई चाहता ही नहीं है कि साथ में बैठो उठो तो मैं क्यों ज़बरदस्ती वहाँ जाऊँ. तो इट वॉज, मुझे लगता है कि वो जो भी था जैसा भी था वॉज वेरी जेन्युइन. जबकि वो अगर शिल्पा जी से बदतमीजी कर रही है, शिल्पा जी रो रही है, नहीं खा रही है, और भी लोग सफर कर रहे हैं, तब भी आप जाकर बात करने की कोशिश नहीं की या राशन मांगने की कोशिश नहीं की. Why, what was the reason? वहाँ तो क्योंकि बाकी सब कर रहे थे तो मैंने सोचा कि यार बाकी सब कर रहे हैं, मैं क्या ही बोलूं, तो इसलिए मैंने नहीं की. पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी मैटर करता है. हाँ, तो वो मुझे बाद में समझ आया ना कि नहीं, आपको ज़बरदस्ती बोलना ही पड़ेगा. उसके पहले मुझे समझ नहीं आया तो मैंने नहीं बोला. क्या मुद्दा होता है जिसमें आप बोलते हैं? आई डोंट नो, यही होता है. आई डोंट नो आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है. मुझे खुद को भी अभी तक पता नहीं चला. इतने 3 हफ्तों तक मैंने सुना बोल नहीं रहे, बोल नहीं रहे. एंड में अभी लास्ट 2-3 दिन में मुझे वो थोड़ा इरिटेट करने लगा, सुन सुन के. तो या अगर कभी पता चलेगा लाइफ में कि ट्रिगर पॉइंट क्या है तो मैं ज़रूर बताऊंगी. सबसे मेमोरेबल मोमेंट कौन सा? जो हम बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, पहले तो चुमका बर्थडे था तो वो सेलिब्रेट किया. केक आया था तो सब बहुत खुश हो गए, अरे केक आया है, केक, क्योंकि बहुत लग्जरी है उस घर में, तो वो बहुत अच्छा था. फिर कभी कभी खीर भी बनी है 2-3 बार, तो वो सब अच्छे अच्छे मोमेंट्स थे. वैसा घर में जाने से पहले आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी और जब वहाँ पहुँचे तो रियलिटी ने कितना ज़्यादा आपको शुक किया? मुझे कहीं ना कहीं पता ही था कि उस घर में लड़ाई झगड़े, ये मुद्दा वगैरह सब बहुत होता है. तो उस तरह से मैं तैयार थी, लेकिन सब बोल भी रहे हैं तू जवाब दे. पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं कर रही हूँ, बात कर, जवाब दे, कोई तुझे बुरा बोले तो तू बोल. लेकिन सब वहाँ मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, सब इतना अच्छे से रख रहे हैं, तो मैं कैसे किसी को उल्टा जवाब दे दूँ या कैसे किसी से बदतमीज़ी कर लूँ? तो यहाँ सबकी, मैं वहाँ बहन थी, छोटी बहन, सबने मुझे बोला था कि तू बिल्कुल मेरी बहन जैसी है. चाहत बोल रही थी अगर मेरी बहन होती तो मैं चाहती हूँ कि वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी होती. तो यार सबसे अच्छा ही बॉन्ड था मेरा. मुझे गलत तो लगता है, मतलब आप नेशनल टेलीविज़न पे ऐसे कैसे बोल सकते हो कि वो आपके प्यार के लिए, आपको देखने के लिए ऐसा कर रही है. बट वो इन द सिचुएशन यार इंसान करने के पहले सोचता नहीं है, अगर उसको अंदर कुछ फील होता है तो वो कर देता है. तो आई हैव नो आइडिया क्यों कैसे किया. थैंक यू. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.